दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपके फेवरेट सीरियल क्यों मैं किसी के प्यार में चल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां पर सई जल्दी ही विराट से माफी मांगते नजर आएगी। जी हाँ दोस्तों, देखने को मिलने वाला है काफ़ी कुछ ड्रामा, जहाँ पर अब एक तरफ तो श्रुति का ऑपरेशन होने वाला है और उसकी जान बचाएंगे पुलकित और सई, लेकिन श्रुति अब इस बार विराट के कहने पर चुप नहीं बैठने वाली है कि विराट और सई का तलाक हो रहा है और उन्होंने तलाक के पेपर्स पर साइन कर दिए हैं, जिसके बाद श्रुति इस तरह से चुप नहीं बैठेगी और विराट और सई के बीच में सब कुछ ठीक करने के लिए बहुत बड़ा खुलासा करते नजर आएंगे, और वो भी पुलकित से। दोस्तों देखने को मिलने वाला है कि पुलकित के सामने खुलेगा राज कि श्रुति विराट की वाइफ नहीं है और वो आंखें क्यों उसका साथ दे रहा है, और ये श्रुति ही पुलकित से शेयर करते नजर आएगी। जब पुलकित गुस्से में श्रुति को बहुत बुरी तरह से उस पर भड़कते नजर आएगा और कहेगा कि तुमने किसी मासूम बच्चे की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की है, और जिसने तुम्हारा इतनी तकलीफों में इन सब में साथ दिया है ना, वो विराट से तलाक ले रही है और वो भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। जिसके बाद बहुत बड़ा यहाँ पर श्रुति को झटका लगने वाला है और श्रुति कहेगी कि लेकिन मैं तो उनकी वाइफ हूँ ही नहीं। ये सुनकर पुलकित के होश उड़ जाने वाले हैं कि आखिर विराट क्यों सच छुपा रहा था, जिसके बाद पुलकित इस तलाक को रोकेगा। जी हाँ दोस्तों, देखने को मिलने वाला है कि पुलकित ही इस तलाक को रोकते नजर आएगा और सई को बताएगा पूरा सच कि श्रुति उसकी वाइफ विराट की वाइफ नहीं है, जिसके बाद ही ये तलाक रुकने वाला है और सई ने जो विराट पर अब तक जितने भी इल्ज़ाम लगाए हैं उनके लिए वो उसे माफ़ी मांगते नजर आएगी। तो भाई यहाँ पर सई को जल्दी अपनी गलती का एहसास होगा, वो भी पुलकित की वजह से सारा सच आने के बाद। तो इस तरह से हो जाएगी कहानी में एक इंटरेस्टिंग मोड़।